हेलो दोस्तों, ये रहा ऑल न्यू निसान मैगनाइट XB रेड एडिशन जो व्हाइट कलर में है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए जो मेरे पीछे है, तो गाड़ी ओवरऑल देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। व्हाइट कलर में है और इसमें आपको ब्लैक एंड रेड कलर का जो स्टिकरिंग मिलता है, ग्राफिक्स मिलता है, बढ़िया लुक प्रोवाइड कर रहा है। गाड़ी देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। तो ये नया स्टॉक आया है हम लोग के शोरूम पे, तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि इसमें कारपेटिंग कराने का, तो इसके लिए गाड़ी में काम हो रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों गाड़ी के बाहर का लुक दिखा देता हूँ, उसके बाद अंदर का लुक दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग एंजॉय कीजिए। अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए मैं गाड़ी को आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये रहा ऑल न्यू निसान मैगनाइट रेड एडिशन व्हाइट कलर में, बहुत बढ़िया लग रहा है। और दोस्तों आज इस गाड़ी में कारपेटिंग का काम हो रहा है। तो दोस्तों इसका जो ओवरऑल साइड व्यू देखिए, फ्रंट लुक आपको रेडिएटर ग्रिल में थोड़ा बहुत रेड कलर का स्टिकरिंग देखने को मिलता है क्रोम फिनिश के साथ, और हेडलाइट आपको हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलता है जिसकी ब्राइटनेस भी अच्छा खासा मिल जाता है रात के टाइम में। और नीचे आपको LED DRL लाइट मिलता है जिसकी ब्राइटनेस भी बढ़िया है, और नीचे आपको फॉग लाइट देखने को मिलता है जो फॉग के दिनों में आपका काम आता है। और साइड पैनल की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको रेड कलर का थोड़ा बहुत ग्राफिक्स देखने को मिलता है। और टायर साइज़ की बात करें तो दोस्तों इसमें 16 इंच का टायर साइज़ मिलता है येलो व्हील के साथ, और साथ में इसमें रेड कलर का ब्रेक कैलिपर देखने को मिलता है। और दोस्तों देखिए साइड में आपको मैग्नाइट रेड का बेजिंग देखने को मिलता है जिससे गाड़ी का स्टाइल और भी बढ़िया लगता है। और यहाँ पर आपको ग्राफिक्स देखने को मिलता है रेड एंड ग्रे कलर का। और यहाँ पे डोर हैंडल जो है दोस्तों, इसमें आपको क्लियर एंट्री मिलता है जो क्रोम फिनिश के साथ आता है। और देखिए ज़्यादातर कंपनी ने इस गाड़ी में ग्राफिक्स का यूज़ किया है दोस्तों, जिससे ये गाड़ी रेसिंग टाइप का गाड़ी लग रहा है। और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 205 दिया है, बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ने प्रोवाइड किया है दोस्तों। और देखिए LED टेल लाइट मिलता है यहाँ पर, जो टेल लाइट है बढ़िया है, स्टाइल भी अच्छा लग रहा है। और पीछे आपको क्रोम फिनिश का डिज़ाइन मिल जाता है, और साथ में निशान का लोगो, नीचे आपको मैग्नेट का बैजिंग देखने को मिलता है दोस्तों, बढ़िया लग रहा है ओवरऑल रियर साइड आपको। और देखिए नीचे आपको सिल्वर कलर का पैटर्न देखने को मिलता है, और उसके नीचे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। बैक सेंसर भी है इस गाड़ी में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं दोस्तों। ये खाली जो स्पेस है यहाँ पर आप नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह मिल जाता है यहाँ पर। ओवरऑल दोस्तों रियर साइड तो बढ़िया लग रहा है गाड़ी का दोस्तों। यहाँ पर आपको LED टेल लाइट भी मिल जाता है जो देखने में भी बढ़िया लग रहा है। और रियर साइड में दोस्तों आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइन मिलता है जो क्रोम फिनिश के साथ आता है। और यहाँ पर ऊपर में देखिए निशान का लोगो है, नीचे नीचे मैग्नेट का बैजिंग देखने को मिलता है। तो ओवरऑल दोस्तों गाड़ी देखने में भी बढ़िया है। और रियर साइड में देखिए आपको बैक वाइपर मिल जाता है जो रेनी सीजन में आपके काम आता है, और स्पॉइलर देखने को मिल जाता है जो लुक्स के मामले में भी बढ़िया लगता है। और ऊपर में आपको शार्क एंटीना देखने को मिलता है, और नीचे बैकलाइट देखने को मिलता है स्पॉइलर के नीचे। तो देखिए दोस्तों ओवरऑल ये गाड़ी एक बजट प्राइस में आती है, वैल्यू फॉर मनी है। और बूट स्पेस की बात करें तो दोस्तों ये 336 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड करती है। नीचे आपको स्पेयर टायर मिलता है जो 15 इंच का आता है। ओवरऑल साइड व्यू देखिए दोस्तों, गाड़ी साइड से देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है जो वाइट कलर के साथ आती है। ये गाड़ी आपको दो कलर ऑप्शन में मिलता है, ब्लैक में मिलता है और वाइट में मिलता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये बढ़िया वाइट कलर में भी बढ़िया लुक्स के साथ आता है। तो देखिए दोस्तों अगर आप लोग इस गाड़ी के बारे में पूरी तरह से डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके विजिट कीजिए, उसमें मैंने ऑलरेडी इस गाड़ी के एक रिव्यू किया है। तो ये देखिए मैग्नेट का बैजिंग यहाँ पर मिलता है, जो साइड मिरर है उसमें आपको इंडिकेटर मिल जाता है। ऊपर में दोस्तों आपको रूफ रेल मिल जाता है, और यहाँ पर पावर विंडो, चारों के चारों पावर विंडो यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पर JBL का स्पीकर मिलता है दोस्तों। तो नीचे स्कार प्लेट देखने को मिलता है दोस्तों। ये देखिए अंदर आपका कारपेटिंग का काम हो रहा है, और जो अंदर का इंटीरियर है रेड फिनिश के साथ आता है, क्योंकि दोस्तों ये रेड एडिशन है तो कंपनी ने खास तौर पर इसमें रेड कलर का ज़्यादा यूज़ किया है।
तो ये देखिए 8 इंची डिस्प्ले यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर निशान का लोगो देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप कंट्रोलिंग मिल जाता है, यहाँ पर आपको दोनों साइड में कंट्रोलिंग मिल जाता है, और ये एसी का सिस्टम है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको स्कार प्लेट देखने को मिल जाता है, जब आप डोर को ओपन करोगे तो खुल जाता है। ये रहा आपका ग्लोव बॉक्स, तो ग्लोव बॉक्स का जो स्पेस है दोस्तों, अच्छा खासा स्पेस मिलता है, लेकिन ये कूलिंग वाला ग्लोव बॉक्स नहीं है। और जो म्यूज़िक सिस्टम, ये देखिए दोस्तों, डिस्प्ले डिस्प्ले आपको 8 इंची मिलता है, और यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, जब आप ड्राइव करोगे, ड्राइव करने के समय दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल रखने से ये ऑटोमेटिक चार्ज होगा। यहाँ पर पुश बटन मिल जाता है, 11 बार है, और ये देखिए दोस्तों, हैंड ब्रेक मिल जाता है इसमें आपको। तो अंदर अफजल भाई ऑलरेडी कारपेटिंग का काम कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, रियर सीट, तो फ्रंट जो सीट है ये अफजल भाई ने ऑलरेडी खोल के रख दिया है, क्योंकि ये लगा रहने से कारपेटिंग का काम करने में दिक्कत आएगा, इसलिए इसको खोल के रखा है। तो दोस्तों, रियर सीट में आपको रियर आर्मरेस्ट मिलने को मिल जाता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर रियर आर्मरेस्ट, और लेगरूम का स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, तो आराम से आप लॉन्ग ड्राइव में कंफर्टेबल ड्राइव कर सकते हो। रियर में भी आपको देखिए दोस्तों, निशान का स्कार्फ प्लेट देखने को मिलता है, और ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पर रेड कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो गाड़ी का जो पीछे का व्यू है, ये देखिए दोस्तों, पीछे से देखने में भी गाड़ी बढ़िया लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, अफजल भाई इस गाड़ी का कारपेटिंग का काम पूरी तरह से कर रहे हैं, और अच्छे से ये काम करते हैं। तो दोस्तों, अफजल भाई हर तरह का काम कर लेते हैं मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप लोग अपने गाड़ी का अगर काम करवाना चाहते हो तो इनसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं इनका जो नंबर है, मोबाइल नंबर मैं अपने वीडियो में दे दूंगा, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिलचर के जितने भी लोग हैं, गाड़ी का अगर पकड़ लीजिए मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कोई काम करवाना चाहते हो या कारपेटिंग कराना चाहते हो गाड़ी में, तो इनसे सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से दिखा दिया है, कारपेटिंग का जो काम था पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।